हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है होने वाला है यहाँ पे श्रीलंका लीजेंट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच जो सेकंड सेमीफाइनल मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको इस वीडियो में स्मॉल की टीम प्लस ग्रैंड की टीम मिलने वाली है उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है फैंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है और आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको सिंपली करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन इसको आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया आपको उसी का यूज करना है तभी आप हमारे टेलीग्राम के सही और ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट तो बात की जाए अभी तक फिलहाल क्या है श्रीलंका की टीम काफी स्ट्रांग रही है टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हार भी हा आईटीएन इंडिया के अगेंस्ट और अफ्रीका की टीम कुछ हारी है कुछ जीती है तो यहां पे देखा जाए ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अफ्रीका की टीम थोड़ी वीक है वेस्ट श्रीलंका की टीम के सामने क्योंकि श्रीलंका की टीम एक तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि जैसे बड़े मैचेस होते हैं जैसे सेमीफाइनल मैचेस क्वार्टर फाइनल मैचेस उन जैसे मैचेस में या फाइनल जैसे मैचेस अफ्रीका की टीम हमेशा से मतलब चौकर गए गय, चौकर कहते हैं ने। तो मतलब वहाँ पे हमेशा से ये हार जाते हैं और वहीं श्रीलंका की टीम होती है ऐसे बड़े मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि श्रीलंका की टीम को फेवर करेंगे और अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करा है तो वही चीज़ देखने वाले और यहाँ पे जो ग्राउंड होने वाला है ग्राउंड का वही सेम ग्राउंड जो पूरे टूर्नामेंट में यूज़ हुआ है रायपुर रायपुर का ग्राउंड है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड तो आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे दो सौ के स्कोर भी बन रहे हैं और काफ़ी अच्छा चेस भी हो रहा है और काफी अच्छे स्कोर बन रहे हैं तो मान सकते हैं कि वन सेवेंटी ग्राउंड आपको स्कोर देखने को मिल सकता है बाकी अफ्रीका की टीम है अफ्रीका की टीम ऐसी एक बार विकेट गिरना चालू होता है फिर विकेट गिरते रहते हैं देखो फटाफट से बात करें अभी तक, अभी तक अफ्रिया की टीम के ओपनरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें बात की जाए एंड्री पटेक जो 40 ईयर्स का ये मैंने सारे स्टैट्स उनके लिखे हुए हैं बार आई थिंक आपको बार बार मैं पूरे टूर्नामेंट है वैसे ही आपको मैं ये सब बता चुका हूँ तो बार बार बताऊंगा नहीं सिंपल प्लेयर के बारे में बताता हूँ तो क्या पटेक अभी तक पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मुझे लगता है कि यहाँ तक यहाँ तक मुझे लगता है दो बार तो फिफ्टी से ओपर स्कोर भी कर चुका है और बहुत कंसिस्टेंट भी रहा और भरोसे के साथ खेला और इससे बैटिंग हो गई तो लगेगा नहीं कि हाँ कि ज्यादा एज का प्लेयर है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है तो पटिक के साथ मैं जाने ही जाना क्योंकि कंसिस्टेंट प्लस फॉर्म में भी है बाकी बात करें मॉर्नी वनवेक जो जो आई थिंक लिखा मैंने आप बेस बॉल प्लेयर है और टी ट्वेंटी टाइप का एकदम मस्त प्लेयर है मैं बोल सकते हैं कि टी ट्वेंटी टाइप का एकदम उसके जैसे बोलते हैं ना कि टी ट्वेंटी ट्वेंटी जैसे फॉर्मेट के लिए ही बना ये प्लेयर और इसका सबसे फेवरेट शॉट है स्वीप शॉट और काफ़ी से स्वीप शॉट लगाता है बट वही है आ, फाइनल मै, सेमीफाइनल मैच है तो देखते क्या करते आप मुझे लगता है कि शायद आज जल्दी आउट हो सकता है क्योंकि बड़े मैच में बड़ा प्रेशर अफ्रीका की टीम हमेशा झेल नहीं पाती तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे मैं टीम में तो लेने वाला हूँ बट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी शायद ना करूँ बाकी आप ले सकते हो लेना है सेफ ऑप्शन रहेगा क्योंकि फॉर्म में दोनों एंड्री पटीक और मोर्नी वैनवेक और दोनों ही टॉप पॉर्डर बैटिंग कर रहे हैं बाकी बात कर ली जाए यहाँ पे एलविरो पीटरसन जो बैटिंग के साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करता है और इंटरनेशनल लेवल में तो मैंने कभी इसको बॉलिंग डालते हुए देखा नहीं बट इंटरनेशनल लेवल का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्ले टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेलता था ये एलवीरो अल, पीटरसन अफ्रीका के लिए और वनडे जैसे फॉर्मेट में इतना नहीं खेला बट ओके ओके पीके अपनी टीम में आप रखने चलना है ये टॉप थ्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि देखो ये दोनों फॉर्म में प्लस पीटरसन बैटिंग से तो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है बट पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा है तीन सौ चार ओवर और तीनों हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों को हमें हमेंग में लेके जाना है बाकी बात करें जॉन्टी रोड्स का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है बट यहाँ पे जॉन रोड्स ने कुछ मैच अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स कर लिया सेकंड राउंड और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है जो पहला मैच रहा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लास्ट ईयर रहा था उसमें इसने मैच विनिंग इनिंग खेली थी फिफ्टी रन की और बहुत अच्छी बैटिंग की थी जॉन्टी रोड्स ने तो मैं जॉन्टी रोड्स के साथ आ, शायद ना जाऊं थोड़ा क्रेट का भी इशू आ सकता है दूसरा रीजन ये है, आ, अगर आपका थोड़ा क्रेट हो तो शायद ले सकते हो और जब अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करे तो आप जॉन्टी रोड्स के साथ जा सकते हो देखो अच्छी बैटिंग कर रहे हो और आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट फील्डर आया है वो जॉन्टी रोड्स है और जहां तक मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का अभी भी कोच है बाकी बात करें जेड डी ब्रूने के बारे में तो बैटिंग भी अच्छी कर रहा है बहुत अच्छी हिटिंग कर रहा है प्लस बॉलिंग भी कर रहा है तीन तीन ओवर तक तो कर ही है डेथ ओवर से बॉलिंग कर रहा है डेथ ओवर क्या होते हैं पंद्रह से बीस ओवर के बीच में तो वहाँ विकेट मिलने के चांसेस हाई रहते हैं क्योंकि अपोन टीम रन रेट बनाने के लिए हिटिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ विकेट मिलने के चांस रहते हैं तो डिब्रो ने वहाँ विकेट निकाल सकता है एक आधा और प्लस बात की जाए तो बैटिंग में काफी अच्छी हिटिंग कर रहा है तो यहाँ पे ऑलराउंडर के रूप में मैं इसको लेने वाला हूँ टीम में बाकी जस्टिन कैम्प पहला मैच खेला था उसके बाद बाहर बिठाया था फिर लास्ट वाला मैच खेला था और अगर टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं और ना करने का मौका मिला है पहला मैच जो शायद आई थिंक याद आता है श्रीलंका के साथ ही था अजंता मैंडिस के साथ अजंता मैंडिस की बॉल पे फुल टॉस बॉल पे कैच आउट हो गया था जो कि बॉल छक्के के लिए जा सकती थी बट एक टाइम में अफ्रीका की टीम का वन ऑफ द बेस्ट हिटर और फिनिशर था ये जे जस्टिन कैप बट अब एज हो चुकी है तो इसलिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन नहीं रहेगा वैसे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करता था अपने टाइम पे बट अब नहीं कर रहा है बाकी आर टेलमस कस कस भारी बैठ सकता है बाकी किसी और कोई मौका मिल सकता है तो अगर खेलेगा भी तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि पूरे ओवर नहीं मिल रहे बाकी गार्नेट क्रूगर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है चार ओवर कंप्लीट कर रहा है बीस तीस रन दे रहा है और एक आधा विकेट हर मैच में ले रहा है तो गार्नेट क्रूगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी शाबाल आला ने एक मैच में तीन विकेट ली थी और बहुत अच्छे बॉलिंग की थी और हर मैच में एक आधा विकेट निकाल के जा रहा है तो मैं शाबल आला के साथ आपको बोलूंगा रिकमेंड करूंगा कि स्पिन बॉलर है ऑफ स्पिन बॉलर गार्नेट क्रूगर एक फास्ट बॉलर है बाकी मखाया अंतनी जितने भी इनका आपको फास्ट बॉलर दिख रहे हैं जितने बॉलर दिख रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट बॉलर जो अफ्रीका के ला रहा है उसमें है मखाया अंतनी जिसने कितना एक सौ तिहत्तर मैच हो तो छियासठ विकेट लिया और ये भी तीन से चार ओवर कर रहा है फास्ट बॉलर है और बहुत अच्छी बॉलिंग आ, करता था अपने टाइम में अब थोड़ा मोटा थोड़ा फैट हो फैटी हो गया है बट स्टिल एक आता विकेट तो एक दो विकेट निकाल रहा है मैच में बट यहाँ पे देखोगे तो क्रूगर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है विकेट भले ही थोड़ा यहाँ पे एंटीनी को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है बट क्रूगर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है फेस क्रूगर की बॉल पर ज्यादा है बाकी जोनडे की दो ओवर डाल रहा है एक दो ओवर तो इसलिए स्मॉलिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये फास्ट बॉलर है बाकी पहले मैच में एन एंटी हेवर्ड को मौका मिला उसके बाद नहीं मिला बाकी तो बाहर बैठते हुए नजर आ रहे हैं एल नॉरिस जोन को लास्ट मैच में मौका मिला था ऐसे ही टाइम पास करने के लिए और क्योंकि हॉकी प्लेयर है इंटरनेशनल नहीं खेला तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस वैसे भी नहीं देने वाला है लूट्स बॉसमैन दो मैच या तीन मैच खेला तो इन्हों में फ्लॉप रहा इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्म में नहीं चल रहा और वैसे तो अपने टाइम में टी टाइप का बहुत खतरनाक प्लेयर था बट अब वो बात नहीं है ठीक है तो मुझे लगता है ये हो सकता है बाकी चाहे तो टीम बोट्समैन को मौका दे सकती है और अगर देती है तो क्या पता जाते जाते एक अच्छी इनिंग खेल जाए ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अब आता है श्रीलंका लेजेंड्स के बारे में तिलक तो रत्न दिलशान को तो, तो देख के बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है तो बहुत गजब फॉर्म में चल रहा है बहुत ही टच में ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहा है चार ओवर कंप्लीट कर रहा है एक से दो विकेट निकाल रहा है प्लस हाफ सेंचुरीज मार रहा है कैप्टनसी के इससे बढ़िया कोई पिक होने का नहीं तो उसको लेके जाना ही जाना है बाकी के वीर रत्न और जयसूर्या में से कोई एक खेल सकता है बाकी जयसूर्या इंजर्ड हो जाता है बार बार और थोड़ा तो तो रिटायर्ड होता है क्योंकि एज काफी हो गई है और यहाँ पे शायद इसका फैक्टर देखने को मिल रहा है बाकी कोई भी ओपन कर सकता है के वीर रत्न या जयसूर्या जो भी खेलेगा अगर जयसूर्या खेलेगा तो जय सूर्य का जाएंगे और के वीर रत्ना खेलेगा तो शायद हम किसी और को पिक कर सकते हैं बाकी क्रेडिट एडजस्टमेंट के लिए हम के वीर रत्ना को ही ले सकते हैं या फिर हम एम वर्णापुरा के साथ जा सकते हैं बाकी अगर जयसूर्या खेलेगा तो जयसूर्या को लेंगे क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है और अभी तक एक मैच में इसने दो विकेट भी निकाले थे बॉलिंग करके बाकी स्पिन बॉलर है बाकी अपने टाइम का सबसे डेंजरस बैट्समैन हुआ करता था नाइन्टीज के टाइम में जहाँ बॉलर का खौफ हुआ करता था तो एक लौता बैट्समैन ऐसा था, था जयसूर्या जिसने पूरा तूफान मचा कर रखा था इवन सचिन भी था बट जयसूर्या ज्यादा डेंजरस था हिटिंग करने में बाकी बात करें यहाँ पे उपुल तरंगा के बारे में छत्तीस ईयर का और तिरपन मतलब इसने स्कोर किया था एक मैच में और उसके बाद इसने फिर नाइन्टी नाइन भी स्कोर किया था नट आउट तो तिरंगा तो मैं बोल ही रहा था आपको पहले टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कि इसको तो क्रिकेट छो छोड़े हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसको उस लीजेंड्स में डाला क्यों क्योंकि ये अगर खेलेगा तो ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर करेगा क्योंकि तो क्रिकेट छोड़े हुए हुआ ही नहीं और अभी लंका प्रीमियर लीग भी लास्ट ईयर तक खेल रहा था और बहुत बढ़िया इस ईयर जो हुई थी लंका प्रीमियर लीग उसमें भी खेल रहा था और बहुत अच्छे फॉर्म में भी था तो यहाँ पे तिरंगा को मैं इसलिए बोल रहा था कि अच्छा प्लेयर है वाइस कैप्टनसी वगैरह के लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है प्लस विकेट कीपिंग कर रहा था कैचिंग स्टंपिंग के अभी पॉइंट देगा तो मेरे लिए वाइस कैप्टनसी की बेस्ट पिक रहेगा ओपल तिरंगा भरोसेमंद भी है बाकी है चमारा सिल्वा आ, अच्छा प्लेयर है इसको भी मैं बोल फोर्टी वन ईयर्स को है बट स्टिल जो बैटिंग कर रहा है उसका तरीका है उससे लग नहीं रहा कि क्रिकेट छोड़े हुए ज़्यादा टाइम हुआ है और अच्छी बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग सेक्शन के जाने वाले हो भरोसेमंद प्लेयर है और पंद्रह बीस रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बीस पच्चीस बाकी बात करें सी जया सिंह पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है और बैटिंग थोड़ी थोड़ी कर लेता है स्मॉलिंग में ले सकते हूँ बट मेरे शायद इतनी सेफ ऑप्शन ना हो तो आप लीग में ट्राई कर सकते हो बाकी है एम वर्ना पूरा जो लास्ट मैच में मौका मिला ओवर डाला एक विकेट भी मिला बाकी अजंटा मैंडिस को इसकी जगह मौका मिल सकता है वो भी इतने ओवर करने का सिर्फ एक आधा ही ओवर कर रहा है मेन बैटिंग कर रहा है बट अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हुआ करता क्यों हुआ करता था क्योंकि इस टी ट्वेंटी में जो बेस्ट रिकॉर्ड है उसका है आठ रन देखें आई थिंक छः विकेट है तो बहुत अच्छी मतलब इसकी बॉल एक टाइम पर समझ भी नहीं आता था किसी को कि मतलब क्या डाल रहा है कैरम बॉल डाल रहा है या फिर फ्लिपर डाल रहा है क्या डाल रहा है तो थोड़ा मिस्ट्री टाइप बॉलर था जैसे अभी सुनील नारायण है वैसे उस टाइम पे अजंता मैंडिस था बट बॉलिंग इससे अभी तक टूर्नामेंट है उस हिसाब से करवाई नहीं है तो इसलिए मैं इसको शायद अगर खेलेगा अभी तो इसको उतना रिकमेंड ना करूं जो भी खेलेगा इन दोनों में से बाकी रस्सल आरन अपने टाइम में एक सिंगल डबल खेलने वाला प्लेयर था लास्ट मैच में ऐसी पार्ट टाइम बॉलिंग करवाई मुझे नहीं लगता है इस मैच में बॉलिंग मिलने वाली एक विकेट भले ही लिया हो बट अपने टाइम पे भी आई थिंक बॉलिंग नहीं करते हुए इसको मैंने देखा था ज्यादा और यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं है कि शायद बॉलिंग ज़्यादा करेगा तो और बैटिंग से तो थोड़ा स्लो ही खेलता है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा रस्सल आर्नोल्ड और अपने टाइम में जो अफ्रिया की टीम में जो श्रीलंका की टीम में जो सिंगल डबल खेलने वाला प्लेयर था मिडल ऑर्डर पर ऐसे कहते ना कंसिस्टेंट प्लेयर वो है ये बाकी फरवेज महारूफ ऑलराउंडर के रूप में खेलेगा दो या तीन या चार तीन में कोई भी ओवर कितने भी ओवर कर सकता है प्लस बहुत अच्छी बैटिंग करता है और काफ़ी अच्छा हिटर है 2010 के आसपास में श्रीलंका का बेस्ट ऑलराउंडर में आता था फरवेज महारूफ बाकी बात करें नुवान कुला सेकरा दो के वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने किसके वालों छक्का मारा था तो पता ही होगा कुला सेकरा ही था और अच्छी बॉल डाल रहा है स्विंग वगैरह काफी अच्छी कर रहा है हर मैच में विकेट टेकिंग चांस क्रिएट कर रहा है एक विकेट तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट निकाल के देगा और प्लस काफी अच्छी हिटिंग भी कर रहा था बैटिंग से अभी तक तो वो मौका मिला नहीं बट मुझे लगता है कि खुला से हिटिंग अच्छी कर सकता है और करा ने अपने करियर में बहुत अच्छी बैटिंग करता है पचास से ऊपर कई बार स्कोर कर भी चुका है देन आता है रंगना हैरात रंगना है लेफ्ट ऑम और स्पिन बॉलर है और मुझे जहाँ तक आपको पता नहीं है तो बताया था तो लास्ट ईयर ही अभी फोर्टी टू ईयर्स को है बट इसने इंटरनेशनल खेलना लास्ट ईयर ही बंद करा है टेस्ट मैचेस खेलता था तो और बहुत अच्छा लेफ्ट ऑम और स्पिन बॉलर है बहुत विकेट निकाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मुरलीधरन के बाद उनकी टीम टेस्ट मैच में चाहे जिसने ज़्यादा विकेट निकाले तो जहाँ तक आता है तो मुरली ये रंगना हैराती है स्पिनर्स में तो चार ओवर पूरे कंप्लीट करेगा एक आधा विकेट निकालने की मुझे एक्सपेक्टेशन है रंगना हराज से, से। बाकी धमिका प्रसाद तो दो साल पहले एक साल पहले भी खेलता था इंटरनेशनल अच्छी पेस अभी भी बॉलिंग में और एक आधा विकेट निकालेगा चार ओवर पूरे कंप्लीट करेगा तो फास्ट बॉलर है ये स्पिन बॉलर है ये फास्ट बॉलर है ये फास्ट बॉलर है और यहाँ पे बात करें वर्णापुरा के बारे में तो वर्नापुरा स्पिन बॉलर है बाकी बात करें यहाँ पर तिलकर निशान भी स्पिन बॉलर है बाकी बाहर बैठते हैं मुझे ये नजर आएंगे बाकी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है चमारा कापू गेदरा को क्यों नहीं खिला रहे शायद अवेलेबल नहीं होगा अदरवाइज मुझे लगता है कि इससे बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता है इनकी टीम में एक एडिशनल बैट्समैन और एडिशनल विकेट कीपर के रूप में चमारा कापू गेदरा बट खिला नहीं रहा तो बात अलग है देखो मेरे अकॉर्डिंग ये टीम बन सकती है और क्रेडिट भी पूरे यूटिलाइज होता है आपको रीजन बताओ हर प्लेयर को लेने का क्या है यहाँ पे मैंने तिरंगा को लिया यहाँ पे मैंने वेक को लिया तिरंगा मोर्नी वैनवेक एंड्री पट्टिक कापू गेदरा खेल नहीं रहा बाकी मैंने जॉन रोड्स को क्रेट नहीं है और मैं अगर चांस मिले तो मैं यहाँ पे जरूर लेना चाहूँगा पूरा की जगह जॉनटी रोड्स को बाकी क्रेट नहीं है तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ बाकी सिल्वा को लिया यहाँ पे मैंने लिया एलविलो पीटरसन देखो हर रसल आलराउंड मैं जहाँ तक पता नाइन्टी नाइन बॉलिंग नहीं करेगा लास्ट मुझे बॉलिंग भले ही कर दी बट चमारा सिल्वा ज़्यादा बेटर रहेगा अगर बैटिंग की बात करें तो बाकी एलविलो पी पीटरसन के लिए बैटिंग आज बॉलिंग कर रहा है जय सूर्या का पता नहीं क्योंकि इंजर्ड हुआ था और शायद अगर खेले भी ना तो यहाँ पे दूसरा प्लेयर ही ओपन करने आएगा तो यहाँ पे मैं ये तीन टीम लेके जा रहा हूँ बाकी मैं दिलशान को ले रहा हूँ बाकी यहाँ पे डेब्रोने को ले रहा हूँ देन यहाँ पे आप चाहो तो वीरा रत्न जो ओपन करने आ सकता है इसको ट्राई कर सकते हो स्पेशली ग्रैंड लीग में और जस्ट इन कैम इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आप यहाँ पे एक ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो फर्वेज मारू बट फरवज मारूफ ने अभी तक फिलहाल टूर्नामेंट में कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है बट मैं ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करूंगा फरवेज मारूफ को बाकी बात करें यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंटनी के साथ या तो शाबा लाल ले सकते हो दोनों में से किसी को लेते हो बट एंटीनी दर्थोर से बॉलिंग करेगा तो विकेट मिलने के चांस रह सकते हैं बाकी यहाँ पे है नवान खुला सेकर और यहाँ पे लिया मैंने गार्नेट क्रूगर को तो कुछ ये टीम भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे मैं मजबूरी में लेना पड़ रहा हूँ मुझे तो क्रिएट का इशू आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आ, एंटीनी की जगह किसी एक इनके बॉलर को लूँ मैं चाहता हूँ यहाँ पे धमिका प्रसाद भी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा तो धमिका प्रसाद के साथ भी जा सकता हूँ फिर हमारे पास यहाँ पे आधा क्रेडिट बच जाएगा और हम यहाँ पे जा सकते हैं किसी एक्स्ट्रा प्लेयर के साथ आर्नोल्ड वगैरह के साथ भी जा सकते हैं तो हम चाहे तो एक ये चेंज कर भी सकते हैं अगर आप चाहो तो ठीक है तो एक ये चेंज मेरे ख्याल से ठीक भी रहेगा और कर भी सकते हैं तो मैं ये जा रहा हूँ और मैं जहां तक बोला श्रीलंका की टीम स्ट्रॉंग भी रहेगी तो मैं धमिका प्रसाद को लेता हूँ क्योंकि पेस में अभी बॉलिंग और एंटीनी की बॉलिंग में इतनी पेस नहीं जितनी धमिका प्रसाद की बॉलिंग में पेस है बाकी मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे हैरात को बस हैरात के लिए क्रेडिट नहीं है तो कप्टनसी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे दिलशान को वाइस कैप्टनसी दूंगा मैं तरंगा को आपके पास वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन है मॉर्नी वैनवेक एलविडो पीटरसन और एंड्री पटिक तो फिलहाल मैं ये दोनों के साथ जा रहा हूँ और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करती है श्रीलंका की टीम और अफ्रीका की टीम कम अच्छा परफॉर्म करती है इसलिए अभी तक इनके पास इनकी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह नहीं है बाकी बात करें यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम वन ये रहेगी मेरी जिसमें मैंने मोर्नी वैनवेक को ड्रॉप कराया और यहाँ पे मैंने पीटरसन को लिया यहाँ पे मैंने बैटिंग में जयसूर्या को लिया बाई चांस जयसूर्या खेलता है तो बाकी यहाँ पे वैक को ड्रॉप करा यहाँ पे मैंने डिब्रोनी को लिया बॉलिंग में मैंने यहाँ पे हैरात को लिया मॉर्नी वैनवेक को ड्रॉप करके कैप्टनसी मैंने फिर वही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वही रखी है नाती है ग्रैंड लीग की टीम टू आप चाहो तो ये क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे मैंने फिर तीनों को लिया यहाँ पे मैंने ये लिया यहाँ पे वाइस कैप्टनस को दिए कैप्टनसी को दिया बॉलिंग में ज़्यादा चेंज नहीं करा तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम टू बात है बाई के पिक्स के ऊपर देखो बाई की पिक्स मैं बता दूँगा श्रीलंका के प्लेयर को प्रेफर कर रहा हूँ आप चाहो तो अफ्रीका को भी कर सकते हो बट अफ्रीका मुझे जैसे लगता है कि बड़े मैचे जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें इतना परफॉर्म नहीं करते अच्छा पर तिरंगा के जा रहा हूँ तरंगा मान के चलो अगर दो कैचेस भी करता है तो यहाँ पे सोलह पॉइंट वैसे ही जाएंगे और बैटिंग में बहुत अच्छी फॉर्म में भी और अच्छी बैटिंग कर रहा है अगर बात के चलो चालीस रन भी मार लेता है तो मान के चलो ऑल ओवर हमें प्रॉफिट देता है तिरंगा पहली पिक रहेगी दिलशान सत्तर में अवेलेबल है चाहो तो ले सकते हो बट सत्तर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं कई बार देखा जाए तो किस किले इसको कम से कम दो विकेट लेने पड़ेंगे और पच्चीस तीस रन मारने पड़ेंगे तब जाके वो कवर होंगे तो चाहे तो आप ले सकते हो बाकी जिस तरीके से फॉर्म में चल रहा है चार ओवर भी डाल रहा है बैटिंग भी कर रहा था चाहो तो ट्राई कर सकते हो दिलशान को बाकी कुछ सेकरा को सिर्फ दो विकेट लेने प्रॉफिट देने के लिए दो, दो विकेट लेते है बारह रुपये का प्रॉफिट प्लस बैटिंग पर अच्छी कर लेता है बाकी प्रसाद मेरे को दूसरी ऑप्शन रहेगा बाकी चाहो तो रंगना हेराद को भी कर सकते हैं बट रंगना नहराज सिर्फ बैटिंग नहीं करता है बॉलिंग बॉलिंग करता है इसलिए मैं ये चार ही ऑप्शन दूंगा जिसमें सबसे बेस्ट मेन रहेगा यहाँ पे तरंगा दूसरे नंबर पे ये तीसरे नंबर पे और चौथे पे ये ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब का कर रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबा देना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं रिप्लाई करूंगा जब भी रीड करूंगा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक चीज आपको ध्यान रखना है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है आपको उसी का यूज करना है तभी आप हमारे टेलीग्राम के सही और ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय